दोस्तों, अगर आप मूवीज के बहुत बड़े फैन हो तो आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि जो ज्यादातर बॉलीवुड मूवीज हैं वो फ्राइडे को रिलीज होती है। सो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देना जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट अवर वीडियो टाइटल्ड। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि जो बॉलीवुड का मूवीज फ्राइडे को रिलीज करने का सिस्टम है वो बॉलीवुड की फ्राइडे को मूवी रिलीज करने की प्रैक्टिस से आया है, जो कि स्टार्ट हुआ था 15 दिसंबर 1939 को विद द रिलीज ऑफ द मूवी गॉन विद द विंड। बट दोस्तों, जो ट्रेंड था फ्राइडे को मूवी रिलीज करने का, ये इंडिया में लेट 1950s में आया था, जब इंडिया की पहली मूवी जो फ्राइडे को रिलीज हुई थी वो थी 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई मुगले आजम। और उसके बाद से इंडिया में भी फ्राइडे को मूवी रिलीज करने का ट्रेंड कंटिन्यू होने लगा। दोस्तों, जब पहले हमारे पास कलर टेलीविजन नहीं थे, उस टाइम में मुंबई की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के इनफॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग जो मूवीज थी वो स्ट्रेटेजिकली फॉर हाफ डे ऑन फ्राइडे को रिलीज होती थी। दोस्तों, फ्राइडे यानी शुक्रवार इंडिया में गॉडेस लक्ष्मी का डे माना जाता है, और गॉडेस लक्ष्मी है वो वेल्थ की गॉडेस है, इसलिए प्रोड्यूसर्स ये मानते हैं कि अगर वो अपनी मूवी फ्राइडे को रिलीज करेंगे तो गॉडेस लक्ष्मी उनकी मूवीज को वेल्थ के साथ ब्लेस करेंगे। ऑल्सो फ्रेंड्स, जो स्क्रीनिंग फीस होती है जो प्रोड्यूसर्स मल्टीप्लेक्स ओनर्स को पे करते हैं वो बाकी सारे डेज को ज़्यादा होती है एक्सेप्ट फ्राइडे। सो दोस्तों, ये कुछ रीजंस थे जिन कारणों से बॉलीवुड मूवीज फ्राइडे को रिलीज होती हैं। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।